أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. नाज क्यों कर न करे आप से निस्बत वाले नाज क्यों कर न करे आप से निस्बत वाले नाज क्यों कर न करे आप से निस्बत वाले नाज क्यों कर न करे आप से निस्बत वाले लोग कहते हैं हमें खत में नबूवत वाले लोग कहते हैं हमें खत में नबूवत वाले काफिला खत में नबूवत का है वो जिस में है सब काफिला खत में नबूवत का है वो जिस में है सब मारिफत वाले यकीन वाले फरासत वाले मारिफत वाले यकीन वाले फरासत वाले नाज क्यों कर न करे आप से निस्बत वाले लोग कहते हैं हमें खत में नबूवत वाले और याद तो होगा तुम्हें किस्सा फिरौनों कलीम याद तो होगा
تمہیں قیصہ فرعون و کلیم غرق جھوٹے ہوئے اور پار صداقت والے غرق جھوٹے ہوئے اور پار صداقت والے جن کو ہے ختم نبوت کی حفاظت کا جنون جن کو ہے ختم نبوت کی حفاظت کا جنون قسم اللہ کی یہی لوگ ہیں قسمت والے قسم اللہ کی یہی لوگ ہیں قسمت والے یہ کھلی بات ہے مرزائی ہے غدار وطن یہ کھلی بات ہے مرزائی غدار وطن کیوں سمجھتے نہیں یہ بات حکومت والے کیوں سمجھتے نہیں یہ بات حکومت والے تیرے دشمن سے امی لڑتا ہوا مر جائے آقا تیرے دشمن سے امی لڑتا ہوا مر جائے تیرے دشمن سے امی لڑتا ہوا مر جائے ہے یہ خواہش میری اے تاج شفاعت والے ہے یہ خواہش میری اے تاج شفاعت والے ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن رَّأَى هِلَالَ ذُلْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِن أَسْفَارِهِ شَيْئًا صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید میرے انتہائی قابل قدر دوستو بھائیو اور بزرگو الحمدللہ ہم سب یہاں دین کی نسبت سے جمع ہیں اور دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو اس بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے
और हम सब के जाहिर और बातिन की इस्लाह का जरिया बना। इस ज़िंदगी में अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बड़ी मेहरबानी के मामलात फरमाते हैं और कुछ ऐसे मौके, ऐसा वक्त अल्लाह पाक अपने बंदों को दे देते हैं कि जिसको अगर ये बंदा महफूज कर ले और जिसकी हिफाजत कर ले तो ये बंदा कम वक्त में अल्लाह की नज़र में बड़ा कीमती बन जाता है। थोड़ी सी मेहनत करेगा, थोड़ा सा वक्त देगा, थोड़ा सा मुजाहिदा करेगा, ने नफ्स पर पैर रखेगा, लेकिन कम वक्त में अल्लाह पाक से बहुत कुछ ले लेगा। साल के जितने दिन हैं और हर दिन के जितने औकात हैं, एक एक घड़ी, एक एक साथ, एक एक लम्हा, उसको किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। फिर अल्लाह पाक ने अपने बंदों को इबादत के लिए वक्त दे दिए। हर दिन में 5 वक्त ऐसे रखे कि जिसमें ये बंदा अल्लाह के पास आए, अल्लाह के सामने झुक जाए, अल्लाह की इबादत कर ले। इसी तरीके से मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक साल में कुछ ख़ास ऐसे मौके बंदों को दे देते हैं कि जिसमें अगर बंदा अपनी हिफाजत कर ले, उन औकात को कीमती बना ले, बहुत कुछ ले लेता। आगे आने वाला जो महीना है वो ज़ुल्हिज्जा का है। 11वां महीना इस्लामी साल का ख़त्म हो रहा है और 12वां महीना जो इस्लामी साल का आखिरी महीना है ज़ुल्हिज्जा का, वो शुरू होने वाला है। और ज़्यादा इम्कान यह है कि आने वाला जो हफ्ते का दिन है वो ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख होगी, ज़्यादा इम्कान यह है। और मुमकिन है कि आने वाला इतवार पहली तारीख हो। तो या तो हफ्ते के दिन से ज़ुल्हिज्जा का महीना शुरू होगा या इतवार के दिन से ज़ुल्हिज्जा का महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने के जो इब्तदाई 9 दिन हैं उसको कहा जाता है अशरा ज़ुल्हिज्जा। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अशरा ज़ुल्हिज्जा। और एक मोमिन की ज़िंदगी में ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे की बड़ी कीमत है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने उस अशरे को कीमती बना दिया, उन दिनों को अल्लाह पाक ने खुसूसियत दे दी, उन रातों को अल्लाह ने फजीलत दे दी। और इतनी बड़ी फजीलत दी, इतनी बड़ी अहमियत दी कि बंदा हैरान है कि क्या उस अशरे की हर रात की इबादत अल्लाह पाक उसको लैलतुल कदर के बराबर फरमाए। हदीस पाक में क्या फरमाया? तादिलु सियामु कुल यौम मिन्हा बिसियाम सनतिन وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر। जिसने ज़िल्हज्जा के पहले अशरे के 1 दिन का रोज़ा रखा तो 1 दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है। और जिसने इस अशरे की 1 रात में इबादत की तो 1 रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर। अब देखें, इस लैलतुल क़द्र को हम रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करते हैं। लोग आखिरी अशरे में एतिकाफ में बैठ जाते हैं, आखिरी अशरे में लोग ज़्यादा वक्त मस्जिद को देते हैं। ताक रातों में हमारे कितने मुसलमान भाई बहनें ऐसे हैं जो पूरी पूरी रात जागते हैं, मुसल्ले से नहीं उठते। क्यों? वो कहते हैं कोई भी ताक रात लैलतुल क़द्र हो सकती है, तो लिहाजा थोड़ी सी कुर्बानी दे दो, आराम के तकाजे को दबा दो, क्या पता यही रात लैलतुल क़द्र हो। तो जो रात हम रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करते हैं कि कोई भी हो सकती है,
इस अशरे की तो हर रात के लिए फरमाया कि वो लैलतुल कदर के बराबर है, यहां तो ये सवाल नहीं है, ढूंढना नहीं है, बस बंदे को अल्लाह के सामने आना है, खड़ा होना है, अमल के अंदर वक्त गुजारना है, और ये पूरी रात ऐसी होगी जैसे लैलतुल कदर हो गई। तो भाई अगर किसी ने हिम्मत कर ली और आने वाले अशरे में 9 दिन 9 नफली रोज़े रख लिए, 9 नफली रोज़े, तो इसको कितना सवाब मिलेगा? 9 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। और अगर हिम्मत कर ली और किसी ने इन 9 रातों में इबादत कर ली, थोड़ा सा वक्त निकाल कर दे दिया, तो कितनी लैलतुल कदर मिल गई? 9 लैलतुल कदर मिल गई। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, कम वक्त में अल्लाह पाक से बंदा बहुत कुछ ले सकता है, और दिन बहुत करीब आ रहे हैं, ये अशरा बहुत कीमती है। और फिर अल्लाह की शान देखे कि इस साल ज़ुल्हिज्जा का महीना जो आ रहा है सख्त गर्मी में आ रहा है। अब गर्मी का मतलब ये होगा कि रोज़ा रखने में भी मुशक्क़त ज़्यादा, मुजाहिदा ज़्यादा, भूख प्यास बर्दाश्त करने की तकलीफ़ ज़्यादा, रातें छोटी हैं, रात को तहज्जुद के लिए उठने में नफ्स के तकाजे को दबाना बहुत मुश्किल काम। और जितना इंसान नेक अमल को मुशक्क़त के साथ करता है उतना अल्लाह पाक के यहाँ उसका अजर बढ़ जाता है दोस्तों, तो अल्लाह का ज़ाब्ता है। इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ तो है, थोड़ा सा मुजाहिदा तो है, इंसान को बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, लेकिन यकीन करें कि अगर इन दिनों को हमने आबाद कर लिया और हिम्मत करके हमने नफली रोज़े रख लिए, तो फिर क़यामत के दिन जो इसके बदले इनाम व इकराम है वो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हदीस पाक में आता है, एक बंदा क़यामत के दिन आएगा और उसको बाकी जन्नतियों के मुकाबले में जो रिज़्क़ और इनामात मिलेंगे वो अलग शान के होंगे। ये जन्नती खुद हैरान हो जाएगा और अल्लाह पाक से अर्ज़ करेगा कि अल्लाह के बाकी जन्नतियों के मुकाबले में मुझे एक खुसूसी और इतना उम्दा और इतना आला और अलग से मुनफरिद करके रिज़्क दिया गया। तो इससे कहा जाएगा कि क्या तू भूल गया कि तूने अपने अय्याम खालिया को कीमती बनाया? किसको? अय्याम खालिया। अय्याम खालिया ये लफ्ज़ क़ुरान करीम की कौन सी सूरत में? हाफिज साहिबान बैठे हुए होंगे, क़ुरान करीम की कौन सी सूरत में अय्यामुल खालिया है? कुलु वश्रबु हनी अम बिमा असलफ़तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह पाक फरमाएंगे, क्या तुमने क़ुरान नहीं पढ़ा? हमने क़ुरान में तुमसे एक वादा कर लिया था कि दुनिया में जितने दिन तुम हमारे लिए भूख प्यास बर्दाश्त कर लोगे नफली रोज़ा रख कर, और जिन दिनों में बंदा नफली रोज़ा रख कर प्यास बर्दाश्त करता है उसको कहते हैं अय्याम खालिया। उसको क्या कहते हैं? अय्याम खालिया। अल्लाह ने वादा फरमाया कि क़्यामत के दिन इस बंदे से कहा जाएगा कुलू वश्रबू हनी अन, हनी अन के माने आते हैं किसी चीज़ को रच बस के खा लेना, दिल खोल के अरमान निकाल लेना। अल्लाह फरमाएंगे आज खाओ, आज पियो खूब ऐश और राहत के साथ। क्यों? बिमा असलफ तुम फिल अय्याम खालिया, जो तुम दुनिया के अंदर अय्याम खालिया हमारे लिए गुजार चुके हो, आज ये खुसूसी इनामात, ये खुसूसी रिज्क उसके बदले में।
ये कैसे हो सकता है बंदा अल्लाह के लिए भूख प्यास ज़्यादा बर्दाश्त कर ले, गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त कर ले और फिर वहाँ उसको उसके साथ आम मामला हो, ख़ास मामला। तो इसलिए आने वाला अशरा बड़ा कीमती है, इसका एक एक लम्हा कीमती है, इसके दिन कीमती है, इसकी रातें कीमती है। और फिर क्या फरमाया कि किसी दिन के आमाल अल्लाह को इतने महबूब नहीं जितना कि इस अशरे ज़िलहज्जा के आमाल अल्लाह के यहाँ महबूब हो जाते हैं। किसी दिन के आमाल अल्लाह को इतने महबूब नहीं। इसलिए उलमा ने लिखा कि जब ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो जाए और बंदा कोई भी नेक अमल करे, ये बड़ी नुक्ते की बात है दोस्तों, जब ये अशरा शुरू हो जाए और बंदा कोई भी नेक अमल करे तो इस हदीस का इस्तेहज़ार कर ले, उसको दिमाग में ले आए कि हदीस पाक में महबूब कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अय्यामिन अल-अमलु सालिहु अहब्ब इलल्लाह मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशर। फरमाया पूरे साल के दिनों में कोई ऐसे दिन नहीं जिसके नेक आमाल अल्लाह को इतने महबूब हो जितना के इन 10 दिनों के आमाल। ये आमाल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। तो उलमा ने फरमाया जब बंदा इस अशरे का कोई नेक अमल करे, चाहे तिलावत के लिए कुरान खोले, चाहे तस्बीहात पढ़े, चाहे नवाफिल पढ़े, चाहे इन्फाक करे, किसी को पानी पिलाए, कुछ भी करें, लेकिन जहन में इस हदीस को ले आए कि इस वक्त जो अमल करने लगा हूँ ये मेरे रब को सबसे ज़्यादा महबूब है, इसलिए कि इस अशरे में हो रहा है। और अल्लाह के पाक पैगंबर फरमा चुके हैं कि इस अशरे के अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। तो सहाबा ने अर्ज़ की वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, क्या इस अशरे के अमल अल्लाह को इतने महबूब हैं कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, हाँ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा अल्लाह को महबूब है, सिवाय उस मुजाहिद के जो अल्लाह के रास्ते में निकला, अपनी सवारी लेकर गया, फिर न खुद वापस आया ना अपनी सवारी को वापस लाया, यानी दोनों अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गए, इस मुजाहिद का दर्जा तो बहुत बड़ा है। अब इससे अंदाज़ा लगाए कि अल्लाह के रास्ते में अगर इंसान एक घड़ी दे दे, लग़दवतुन फ़ी सबीलिल्लाह या रूहतुन खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, फरमाए जिसने एक सुबह की एक घड़ी, एक शाम की घड़ी अल्लाह के रास्ते में दी, ये दुनिया व माफिया से बेहतर है। और फरमाया लमौज़िउ सौतु अहदिकुम खैरुम मिनद दुनिया व माफिया, मुजाहिद के पास जो जिहाद का कोड़ा होता है, जो अपने घोड़े को दौड़ाने के लिए, ये जो मुजाहिद का कोड़ा है जिससे इस घोड़े को ये भगाता है, फरमाया अगर इस मुजाहिद को क़यामत के दिन इस कोड़े के बराबर जन्नत की ज़मीन मिल गई, कोड़े के बराबर, तो फरमाया यकीन करो उस कोड़े के बराबर जो ज़मीन जन्नत की इसके पास आई है ये दुनिया व माफिया से ज़्यादा अफजल। जन्नत का एक टुकड़ा पूरी दुनिया से अफजल है, पूरी कायनात मिल जाए उसका मुकाबला नहीं कर सकती, इतनी कीमती जगह है। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों, वक्त है, मोहलत है, मौका है, सेहत है, हिम्मत है, ताकत है, तौफीक है, बात समझ में आ रही है, आज मोहलत है हमारे पास ज़िंदगी की, कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इंसान कहे कि भाई यार मैं 9 रोज़े पूरे रखूं, इसको भी समझ लेना चाहिए। मस्तूरात की मजलिस में बात हो रही थी, मैंने उनसे भी अर्ज़ किया, बाज़ दफ़ा इस तरह की शिकायत आती भी है हमारे बुज़ुर्गों की,
बच्चे कहते हैं भाई वो बात नहीं मानते, वो मेडिसिन पे, उनकी रोज़ाना दिन में 3 वक्त दवाई है, लेकिन वो कहते हैं जी हमने रोज़ा रखना है। तो बेके मैं ये बात भी वाज़ह कर दूँ कि इंसान अपने आप को मुशक्क़त में तो नहीं डालेगा। अगर खुदा न खास्ता कोई ये कहे कि नहीं जी मैं तो नफली रोज़े रखूँगा और फिर दवाई छोड़ी और फिर तकलीफ़ हो गई, तो नफली आमाल तो रहे फ़र्ज़ से भी चले गए, तो वो तो गलत बात हो गई। तो इसलिए भाई इरादा अज़म तो हर मुसलमान हर साथी अपनी जगह पे कर ले। नियत तो सब की है ना भाई, नियत तो सब की हो गई, लेकिन अब अपनी अपनी हिम्मत को हम देखेंगे। अभी जो साथी नौजवान है, बाहिम्मत है और खुदा न खास्ता कोई मरज नहीं, कोई बीमारी नहीं, अल्लाह सबको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए, तो वो उन साथियों का तो वक्त है ना अभी, वो तो हिम्मत करें, यही इनकी उम्र है नफली आमाल को पूरा करने की। वो 9 रोज़े पूरे रख सकते हैं, पूरे रखें। और हमारी तो दिन रातें कितनी जल्दी से गुजरती है वो सामने, सुबह होती है फिर शाम हो जाती है। और अगर 9 रोज़े पूरे न रख सकें तो भाई दूसरी सूरत पर ये है, दूसरा दर्जा ये है कि 9 दिनों में कोई 3 दिन रोज़ों के लिए रख लें, 3 दिन रोज़ों के। और अगर ये भी नहीं तो फिर आखिरी दर्जा क्या है कि इस आशरे की 9 तारीख का रोज़ा, जिसको कहते हैं यौम अरफा का रोज़ा, 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा जो ईद से 1 दिन पहले का होता है, यौम अरफा का जो रोज़ा है वो तो कोई भी अपने इरादे और इख्तियार से तर्क न करे, वो तो बहुत बड़ा रोज़ा है जिसके लिए मुस्तकिल फजीलत बयान की गई कि अरफा के 1 दिन का रोज़ा गुज़िश्ता 1 साल के गुना, आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा। तो कोशिश ये हो कि पहले दर्जे पे अमल कर लें, नहीं तो दूसरे दर्जे पर, वरना तीसरा दर्जा तो ऐसा है कि सब उस पर अमल करें और ख़ुद भी करें और घरों में भी हम इसका माहौल बनाएं। अपने घरों को एक दीनदारी वाला घराना बनाना है। अब हर घर के अंदर इंसान सब कुछ आज कर रहा है, लड़ाई भी हो रही है, शोर भी हो रहा है, खाना पीना भी चल रहा है, एक दूसरे को कोस भी रहे हैं, बच्चों को मार भी रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो माहौल कहाँ गायब हो गया दोस्तों, जो हमने अपने बड़ों को देखा कि कुरान लेके बैठे हुए हैं, मुसल्ले बिछे हुए हैं, तस्बीहात रखी हुई है। ये जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे दादा दादी नाना नानी, वो माहौल कहाँ चला गया? वो मस्तूरात भी आज नहीं रही, आज की मस्तूरात ने भी हिम्मत तोड़ दी। बाकी दुनिया जहाँ के काम हो रहे होंगे, लेकिन जब आमाल की और नवाफिल की बात होगी तो पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, फिर ये सब चीज़ें जुड़ जाएगी। तो भाई ख़ुद हम अपने घरों का माहौल दीन का माहौल बनाएं, एक जिसको कहते हैं ना एक ईमानी घराना, कि हमें देखकर ये बच्चे सीखें, इनके अंदर एक जज्बा पैदा हो, कल हमें इनको बोलना नहीं पड़े, ये ख़ुद से आमाल की तरफ आने वाले हों। तो इसलिए आने वाले आशरे के दिन भी कीमते हैं, कीमती है, इसकी रातें भी कीमती हैं, इसका एक एक लम्हा बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इंसान ऐसी तरतीब बनाए कि मेरे भाई ये आने वाले 10 दिन कीमती बन जाए, अपने वक्त की हिफाजत करें, ज़िक्र की कसरत करें, तिलावत को बढ़ाएं, नवाफिल का अहतमाम करें, हर फ़र्ज नमाज के बाद जल्दी निकलने की ना करें कि बस निकलना है और मुझे जाना है यहाँ से। इशराक, चाश, तवाबीन, तहज्जुद, जो दिन रात के 4 नवाफिल हैं, इसकी पाबंदी करें। इस आश्रे में तो कोई साथी न छोड़ें, इशराक के नवाफिल, चाश के नवाफिल, अवाबीन के नवाफिल, तहज्जुद के नवाफिल, ठीक है ना इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ क्या फरमाए कि भाई ज़ुल्हिज्जा का चांद जब नज़र आ जाए और उस शख्स ने कुर्बानी का इरादा किया हो तो उसको चाहिए कि अपने बाल नाखून न तराशे। ये भी एक हुक्म है, सुन्नत हुक्म है। इसका मतलब क्या हुआ? गोया के ज़ुल्हिज्जा के चांद के नज़र आने से पहले पहले हम अपने बाल और नाखूनों की सफाई कर लें।
बात समझ गए, ये एक तरगीब है कि इससे पहले पहले बंदा अपने आप को पाक साफ कर ले। जिसने भी कुर्बानी का इरादा किया, चाहे मर्द है चाहे मस्तूरात हैं, सब के सब। तो अब जैसे हफ्ते के दिन पहली तारीख का इम्कान है, तो गोया के जुमे के दिन तक हम अपनी सफाई सुथराई कर लें, सर के बाल सही हो जाएं, मूछें सेट हो जाएं, जायद जिस्म के जायद बाल जिसकी सफाई ज़रूरी है, ज़ेरे बगल ज़ेरे नाप वो साफ सुथरे कर लें, नाखून तराश लें, पाक साफ हो जाएं। और फिर उसके बाद क्या हो, जब तक आपकी कुर्बानी का जानवर ज़िबा ना हो उस वक्त तक फिर बाल नाखून न तराशें, ताकि हाजियों से मुशाबहत हो जाए थोड़ी सी। ये हुक्म। अलबत्ता जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, जिसके ज़िम्मे कुर्बानी नहीं है, उनके लिए उलमा ने लिखा है कि वो भी कोशिश करें। ठीक है भाई, हम कुर्बानी नहीं कर सकते, इतनी मुशाबहत हम भी कर लें, लिहाजा यकम ज़िलहज्जा से पहले अपने बाल नाखून साफ कर लें, मुशाबहत का ये थोड़ा सा अजर जो है ये हम भी ले लें आप। तो इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों बुज़ुर्गों, ये दिन बड़े कीमती है। तो थोड़ी सी मेहनत और हिम्मत होगी, औकात की हिफाजत होगी, अल्लाह पाक के महबूब और कीमती बंदों के अंदर हमारा शुमार हो जाएगा। तो कौन कौन हिम्मत करेगा, इंशाल्लाह सब करेंगे। अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और आने वाले अशरे की सही और भरपूर क़दरदानी की तौफीक अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब कुछ देर के लिए खत्मात शरीफा पढ़ेंगे। जिन साथियों के पास कार्ड है वो निकाल लें, कार्ड नहीं है तो मेरे साथ साथ पढ़ लें इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहु वलीयुम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। तमाम साथी एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على एक मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब। एक मरतबा सूरह इख़लास पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। सात मरतबा पढ़ें। اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات। सात मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा या काफ़ियल मुहिम्मात अल्लाहुम्मा या काफ़ियल मुहिम्मात। सात मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा या दाफ़िअल बलियात अल्लाहुम्मा या दाफ़िअल बलियात। सात मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा या शाफियल अमराज अल्लाहुम्मा या शाफियल अमराज। सात मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा या रफीअ दरजात अल्लाहुम्मा या रफीअ दरजात। सात मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा या मुजीब अद्दअवात अल्लाहुम्मा या मुजीब अद्दअवात।
सात मरतबा पढ़े अल्लाहुम्म या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्म या अरहमर राहिमीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिह। तीन मरतबा पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिह। तीन मरतबा पढ़े या खफी अल्लुत्फ़ अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफी, या खफी अल्लुत्फ़ अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तीन मरतबा पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तीन मरतबा पढ़े ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युक्तीही मन यशा वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, اللهم صل على محمد وعلى। तीन मरतबा पढ़े या लतीफ़म بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, اللهم صل على। तीन मरतबा पढ़े इन्ना لله وإنا إليه راجعون, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। तीन मरतबा पढ़े अल्लाहु वलीयुल लदीना आमनू, अल्लाहु वलीयुल लदीना आमनू। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्म सल्ली अला। तीन मरतबा पढ़े वल्लाहु वलीयुल मुमिनीन, वल्लाहु वलीयुल मुमिनीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तीन मरतबा पढ़े रब्बिग़फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, اللهم صل على। तीन मरतबा पढ़े या लतीफ़ो या खबीरो या वदूदो या शकूरो, या लतीफ़ो या खबीरो या वदूदो या शकूरो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, اللهم صل على। तीन मरतबा पढ़े वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तीन मरतबा पढ़े या रहमानु या रहीमु या अल्लाहु या करीमु, या रहमानु या रहीमु या अल्लाहु या करीमु। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
तीन मरतबा पढ़े अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। ये जितने खत्मात मुबारक पढ़ेगा इनका ईसाल सवाब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी कब्र मुबारक में आपके वास्ते और वसीले से पूरी उम्मत मुस्लिमा को बिलखसूस खुलफाए राशिदीन तमाम सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम अजवाज मुतहरात ताबईन तबा ताबईन इस उम्मत के मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन फुकहा अइम्मा अरबा सलासिल अरबा सिलसिला नक्शबंदिया कादरिया चिश्तिया सोहरवर्दिया के अपने तमाम मशाइख और बुज़ुर्गों को अपने वालिदैन तमाम असातिज़ा इकराम दोस्त अहबाब रिश्तेदार अइज़्ज़ा अक़ारिब जिन जिन के हम पर हुकूक़ और एहसानात हैं बिलखसूस अपने वालिदैन रहिमहुमुल्लाहु तआला और बिलखसूस अपने मुशफ़िक़ और मुरब्बी हज़रत मुफ्ती साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु इन तमाम हज़रात को इन ख़त्मात का ईसाल सवाब करते हैं। अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक सबको पूरा पूरा अजर नसीब फरमाए। कुछ देर के लिए पहले ज़िक्र जहरी यानि आवाज़ के साथ ज़िक्र करेंगे, लेकिन ज़िक्र जहरी मुतदिल हो, हर साथी की आवाज़ सिर्फ़ उसके अपने कान तक आ जाए। बहुत ज़्यादा चीखों पुकार करना ये मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ हैं। थोड़ा सा ज़िक्र जहरी करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर ज़िक्र कल्बी यानि मुराकबा करेंगे, फिर इंशाल्लाह दुआ होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم illallah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 Allah 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 Allah
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम। अब कुछ देर के लिए मुराक़बा करेंगे, ज़िक्र क़ल्बी, दिल का ज़िक्र। इसका तरीक़ा ये है कि तमाम साथी अपने दिलों की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, दुनिया से अपने तसव्वुरात को काट दें, सरों को झुका लें, आंखें बंद कर दें, दिल में तसव्वुर करें कि अल्लाह की बारगाह से अनवारात, फ्यूज़ात, तजल्लियात उतर रहे हैं और मेरे दिल के अंदर समा रहे हैं। उसकी बरकत से मेरे दिल से गुनाहों का मैल, कुचैल, जंग, जुलुमात, कुतूरात, गंदगी सब कुछ निकल रहा है और मेरे दिल की हर धड़कन कह रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल पे कलमे की ज़र्ब लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल पे कलमे की ज़र्ब लगा, दिल के मर्ज की है ये दवा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कायनात का खालिक अल्लाह, तेरा मेरा मालिक अल्लाह। सब कायनात का खालिक अल्लाह, तेरा मेरा मालिक अल्लाह। सब का राज़िक एक खुदा, ला इलाहा सब का राज़िक एक खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारी दुनिया कुन से बनाई, सजाई सारी दुनिया कुन से बनाई, फूलों और फलों से सजाई। सब कुछ तेरा तू उसका, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कुछ तेरा तू उसका, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसका हर दम जिक्र किया कर, अपनी
की फिक्र किया कर, हर दम उसका जिक्र किया कर, अपनी मौत की फिक्र किया कर, आखिर तेरा मकाम फना, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल पे कलमे की ज़र्ब लगा, ला इलाहा जिक्र तो सुबह शाम किया कर, हर वक्त उसका नाम लिया कर, जिक्र तो सुबह शाम किया कर, हर दम उसका नाम लिया कर, उसके नाम में कितना मजा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके नाम में कितना मजा, ला इलाहा इल्लल्लाह, विरद है प्यारा, इल्लल्लाह का समझ इशारा, ला इलाहा का विरद है प्यारा, इल्लल्लाह का समझ इशारा, कोई भी नहीं है मुश्किल कुशा, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल पे कलमे की ज़र्ब लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल के मर्ज की है ये दवा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحم الراحمين، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے. हुजूर अलैहिस्सलाम की सही और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे. पूरी ज़िंदगी इत्तेबाए सुन्नत में गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे. या अल्लाह ज़ाहिर और बातिन के फितनों से हम सब की हिफाजत फरमा दे. या अल्लाह बरकतों वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे. या अल्लाह सेहत में, जान में, ताकत में, माल में, रिज़्क में, औलाद में, रिहाइश में, ज़िंदगी के हर मामले में, दीन और दुनिया में या अल्लाह बरकतें ही बरकतें नसीब फरमा दें. जितने बीमार घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, इस मजलिस में हैं, मस्जिद के जितने बुज़ुर्ग अहबाब नमाजी बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत कामिल आजिल मुस्तमर्रा नसीब फरमा दे. हमारे मामू जान हज़रत मौलाना मुस्तफ़ीज़ुर रहमान साहब बीमार है, साहिब फ़िराश है, दुआ फरमाए अल्लाह पाक हज़रत को सेहत कामिल आजिल नसीब फरमा दे. हमारे खालू मक्का मुकर्रमा में बीमार है, दुआ फरमाए अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिल आजिल नसीब फरमा दे. जितने परेशान हाल है, जिस किस्म की परेशानी में मुब्तला है,
अल्लाह पाक कुल उम्मत की परेशानी को ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह गज़ा की फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा दे। क़िबला अव्वल को या अल्लाह आज़ादी की नेमत नसीब फरमा दे। या अल्लाह इसराइल को यहूद को अपने गैज़ व गज़ब से नेस्त और नाबूद फरमा दे। उनके नाम को या अल्लाह इस दुनिया के नक्शे से सफ़े हस्ती से ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह मुजाहिदीन के लश्करों को अपने फरिश्तों की जमातों को अपने परिंदों को या अल्लाह इन जालिमों पर मुसल्लत फरमा दे। या अल्लाह हमारे उन मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों को इस सोई हुई क़ियादत को या अल्लाह गैरत व हमीयत नसीब फरमा दे। हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान की या अल्लाह हिफाजत फरमा दे। जितने साथी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए, इस मजलिस में शरीक हुए, आखिर तक बैठे, कुछ देर बैठे, या अल्लाह सब के आने को कबूल फरमा दे। सबको खुशियाँ, बरकतें, वसअतें, सआदतें, राहतें, रहमतें अपने ख़ास ख़जानों से नसीब फरमा दे। सारी ज़िंदगी या अल्लाह ज़िक्र की मजलिसों से जुड़कर और अपने ज़बान को आपके पाकीज़ा ज़िक्र से मुअत्तर रखने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह इस मस्जिद को, यहाँ चलने वाले तमाम सिलसिलों को, शोबों को क़यामत तक के लिए कबूल फरमा दे। इन सिलसिलों के बानी मबानी हमारे हज़रत मुफ्ती साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, उनको उनकी कब्र में इसका पूरा पूरा सवाब नसीब फरमा दे। हमारे वालिदैन की, असातिज़ा इकराम की अल्लाह सब की कामिल व मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा दे। हम सब का खातिमा बिल ईमान व बिल खैर नसीब फरमा दे। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से, फ़ज़ल व रहमत से अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिक। अस्सलामु अलैकुम।